घर पे म्यूजिक रिकॉर्ड करना या फिर गाना रिकॉर्ड करना, किन बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या डिवाइसेस चाहिए होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घर पे रिकॉर्ड करने के लिए, अपना म्यूजिक बनाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज, ऑडियो इंटरफेस। आपके पास एक बेसिक ऑडियो इंटरफेस होना बहुत जरूरी है। तो ऑडियो इंटरफेस बेसिकली क्या करता था, ऑडियो इंटरफेस जब भी आप गाते हैं, अगर सपोज आप माइक के आगे गा रहे हैं या फिर आप कुछ भी बजा रहे हैं, सपोज आप गिटार बजा रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं या फिर आप बेस गिटार बजा रहे हैं, एनीथिंग, वो आपके ऑडियो सिग्नल्स को कन्वर्ट करके डिजिटली लैपटॉप में प्रिंट करता है, यानी कि आपके डॉ में जो कि है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। कोई भी बेसिक अच्छा सा ऑडियो इंटरफेस चलेगा जो कि मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें चाहिए होगी ऑडियो इंटरफेस। अगर आप सिंगर है, आप वोकल्स अपने रिकॉर्ड करना चाहते हैं या आपका शौक है अपने गानों को रिकॉर्ड करना, तो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे घर में रिकॉर्डिंग के लिए वो है माइक्रोफोन। दो तरीके के माइक्रोफोन आते हैं, कंडेंसर माइक्रोफोन और डायनामिक माइक्रोफोन, जैसे कि SM57, SM58 और कंडेंसर में बहुत सारे ब्रांड है, जैसे AKG, रॉड, सैमसंग, मैं सैमसंग का यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो आप इजीली चीप प्राइस में आपको मिल सकते हैं। माइक्रोफोन और ऑडियो इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होते केबल्स, यानी कि तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होगी केबल्स। दो तरह की केबल आती है, XLR मेल फीमेल और एक TRS जैक। XLR मेल फीमेल यानी कि एक माइक्रोफोन अगर आप यूज़ करें तो माइक्रोफोन की एक साइड और एक दूसरी साइड अपने ऑडियो इंटरफेस पर जाते हैं। TRS केबल जो होती है कीबोर्ड गिटार या फिर बेस गिटार रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तो है हमारा इक्विपमेंट्स कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए, अपना म्यूजिक बनाने के लिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं जो हमें चाहिए, वो है डॉ, यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं। हमारा ऑडियो इंटरफेस लैपटॉप से कनेक्ट होता है USB के थ्रू और जितने भी सिग्नल्स है वो डिजिटली उन्हें प्रिंट करता जाता है, लेकिन किस में है? वो होता है डॉ, यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। बहुत सारे डॉ आते हैं, बहुत सारे ब्रांड है, एफएल स्टूडियो सबसे बेसिक है, रीपर आता है सबसे बेसिक, फिर उसके पास क्यूबेस है, निनेंडो है, आप प्रो टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक प्रो है मैक यूज़र्स के लिए, तो काफ़ी ऑप्शंस है डॉ में। आखिरी चीज़ जो हमें बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है रिकॉर्डिंग के लिए, स्पीकर्स या फिर हेडफोन्स और स्पीकर्स एक ऐसे इक्विपमेंट है जो हमारे को चाहिए ही चाहिए, रिकॉर्डिंग से पहले, रिकॉर्डिंग के बाद, मिक्सिंग करते हैं और सभी चीज़ के लिए। तो पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, हम आपको बिल्कुल आंसर करेंगे। अगर आप मेरे से पर्सनली क्लासेस लेना चाहते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग मिक्सिंग के लिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सॉन्ग राइटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस दिए गए वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं या म्यूजिक के बारे में कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।